सरायमीर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। दिनांक 29/11/2023 को उपनिरीक्षक अखिलेश यादव मैं हमराह संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की चेकिंग में खंडवारी नहर पुलिया पर मौजूद थे कि बड़ी तेजी से एक मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया गया तो पुलिस वाहनों को देखकर मोटरसाइकिल मोड़कर पीछे भागना चाहा। मोटरसाइकिल असंतुलित होकर गिर गयी। मोटरसाइकिल सवार मोटरसाइकिल को छोड़कर भागने का प्रयास किया, लेकिन उसे पकड़ लिया गया, जिसने अपना नाम मोहम्मद साजिद पुत्र मोहम्मद शमीम निवासी नेगवा थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 23 वर्ष बताया। अभियुक्त की जामा तलाशी के दौरान एक तमंचा 303 बोर, दो जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद किया गया। होंडा साइन मोटरसाइकिल को ही चालान ऐप से चेक किया गया तो वाहन स्वामी का नाम मोहम्मद अशरफ पुत्र अनवर अहमद निवासी कटराजन मुबारकपुर आजमगढ़ प्राप्त हुआ। अभियुक्त को समय करीब 4:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया तथा गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 365/2023 धारा 411 413 414 420 467 468 471 भारतीय दंड विधान और 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया। थाना जहानागंज पुलिस ने छेड़खानी करने वाले एक बाल अपचारी पुलिस संरक्षण में लिया। दिनांक 5/11/2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई थी कि वादी की पत्नी और पुत्री के साथ अभियुक्तों शिव बालक पुत्र नाथूराम, सुनील पुत्र शिव बालक, सुरेंद्र पुत्र सीताराम, विशाल पुत्र जनार्दन राम समस्त निवासी कोल्हू खोर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने छेड़खानी किया और मना करने पर गाली गलौज देते हुए मारे पीटे और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। इसके आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 485/23 धारा 323 504 506 354 भारतीय दंड विधान बनाम शिव बालक पुत्र नाथूराम, सुनील पुत्र शिव बालक, सुरेंद्र पुत्र सीताराम, विशाल पुत्र जनार्दन राम समस्त निवासी कोल्हू खोर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 30/11/2023 को उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव मैं हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित बाल अपचारी को CHC कोल्हू खोर से समय करीब 10:50 पर पुलिस संरक्षण में लेकर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बाल अपचारी को संरक्षण में लेने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक बेचू प्रसाद यादव और कांस्टेबल आलोक कुमार थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ शामिल रहे।